नमस्कार, मैं हूं पंकज पटेल ब्राइट फॉर सॉल्यूशन से। अभी आपको आज ये नया जो सिस्टम है जो आपने लैपटॉप परचेज़ किया है उसमें आपको शॉर्टकट कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूं। यहां से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहां पे आपको सेटिंग में जाएंगे तो ये स्क्रीन ओपन होगा और उसके बाद आपको पर्सनलाइजेशन में जाना है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो और एक मेनू ओपन होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थीम में जाना है। जैसे ही थीम में आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की ओर, यहाँ से मूव करना है। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में जाएंगे तो ये सब सारे डेस्कटॉप आइकन हैं यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये सब सारे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ गए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कि डेस्कटॉप पे ये जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद आपको नया सिस्टम लिया है उसके बाद आपको शॉर्टकट डेस्कटॉप पे लाना है तो इस तरह से ला सकते हो। उसके बाद समझ लो कि आपने दिस पीसी पे डबल क्लिक किया और ये विंडोज़ में एक ही पार्टीशन है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि आपको डेटा के लिए स्टोरेज के लिए अलग से पार्टीशन चाहिए तो मैं अभी ये सिस्टम में सिंक्रोनाइज करके दूसरा पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज में जाना है। ठीक है, ये हो गया मैनेज। यहाँ से आपको डिस्क मैनेजमेंट में आना है और यहाँ से ये रहा पार्टीशन, यहाँ से आपको राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज वॉल्यूम में जाके आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप जितना भी पार्टीशन बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो यही एक तरीका है और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको ये क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन में आपको नहीं आ रहा है तो उसका पीछे वाला नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल।